A boy of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the shoes of the boy and the floor is mu, and that between the box and the floor is mu dash. In which of the following cases it is certainly not possible to slide the box? Not possible बोला है, देखते कैसे करना है. मान लीजिए बॉक्स है, इसके नीचे म्यू डैश है और ये बॉय है, ये फोर्स लगा रहा है. जब ये फोर्स लगाएगा तो पैरों को दबाएगा जमीन पे ऐसे, तब फोर्स लगा पाएगा. इसकी वजह से पैर का एक फोर्स होगा इधर, इसके दबाने का मान लीजिए नॉर्मल फोर्स है हॉरिजॉन्टल, और एक होगा वर्टिकल जो इसके वेट के दिशा में लगेगा. इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की जो काट होगी वो फ्रिक्शन होगी जो आगे लगेगी. तो फ्रिक्शन इस बॉय का होगा आगे, वहीं बॉक्स का जो फ्रिक्शन होगा अगर हम बॉय की बात करें तो फ्रिक्शन उस पर आगे लग रहा है, और अगर हम बॉक्स की बात करें तो फ्रिक्शन उस पर पीछे लग रहा है क्योंकि बॉक्स की टेंडेंसी आगे जाने की है. तो फ्रिक्शन फोर्स जो बॉय का है वो क्या है, वो है म्यू मास की तरह का बॉय का एम जी, बॉय ऑफ मास एम तो एम जी. ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा जो बॉय पे लग सकता है. इसके ऊपर जरा बॉय स्लाइड कर जाएगा, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये डोमिनेट कर जाएगा, एफ म्यू जी से ऊपर जा नहीं सकता. और बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एफ डैश इट विल बी म्यू डैश एम डैश जी. नाउ टू स्लाइड द बॉक्स माय फ्रिक्शन ऑफ द बॉय शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन ऑफ द एक्टिंग ऑन द बॉक्स. क्योंकि अगर बॉय का फ्रिक्शन कम रह गया तो बॉय पीछे की तरफ फिसल जाएगा और बॉक्स को फिर पुश करना मुश्किल है. तो मैं कहूँगा कि एफ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, टू स्लाइड द बॉक्स F should be greater than F dash, that is mu dash M dash should be greater, sorry, means mu M, क्योंकि F greater है ना, तो कहेंगे mu M is greater than mu dash M dash. ये condition आती है हमारी to be able to slide the box, but not पूछा है, तो हम लिखेंगे mu M should be less than mu dash M dash. And from this we can see not possible may the most suitable case is A, because mu m less than mu dash m dash for not being able to slide the box दिखाना है, where mu भी mu dash से कम है और m भी m dash से कम है. संभावना सबसे ज़्यादा इसी की है. अगर हम ये कम लेते हैं ज़्यादा लेते हैं तो confirm नहीं है कि ये product छोटा रहेगा इससे, इसलिए हम ऐसे चुनेंगे नहीं ऑप्शन. हो सकता है कि m ज़्यादा हो और म्यू इतना कम हो कि मल्टीप्लाई होकर फिर भी लेस देन रहे, लेकिन संभावना गारंटी भी नहीं है, इसलिए ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए.